वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक। आप लोगों को सर आसिम ने फिलबॉटमी के बारे में कुछ ना कुछ बताया होगा। सो आज हम क्या देखेंगे, फिलबॉटमी की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर टेक्निक्स फॉर फिलबॉटमी। मेरा ख्याल है फिलबॉटमी का सबको आइडिया तो है कि व्हाट इज़ फिलबॉटमी। अजय ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको ये प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, ठीक है। सो इफ़ वी डिफाइन फिलबॉटमी, सो फिलबॉटमी इज द प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग ब्लड फ्रॉम द पॉटरी टेस्टिंग और ट्रांसफ्यूजन। ओके, यानी कि हमारे पास जो ब्लड ब्लड ड्रॉ करना है बॉडी से बाहर, तो उसका जो एक पूरा टेस्ट करने के लिए ये ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो इसको कहा जाता है फिलबॉटमी, ठीक है। इस तकनीक को कहा जाता है, दिस तकनीक और दिस प्रैक्टिस इज एक्चुअली फिलबॉटमी, ठीक है। ओके, सो अगर हम आगे चलें तो इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज वेनी पंक्चर। इफ वी आर टेकिंग और ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम इफ वी ड्रॉ ब्लड फ्रॉम veins, then we can say it's a venipuncture. Okay, venipuncture yani ke hamare we have three types of blood vessels: veins, arteries, capillaries. Okay, so usually we take blood from veins because iske kai reasons hain, because yahan par jo hai pressure kam hota hai as compared to arteries. We can easily draw blood from veins. और secondly, इनका जो एक diameter और इनका जो veins का size है, ये एक average size होता है, capillaries की तरह बहुत ज़्यादा छोटी या thin नहीं होती। So और easily ये appear भी हो जाती हैं on blood on superficial surface, ठीक है। So इसीलिए veins को prefer किया जाता है, उससे ब्लड लिया जाता है। और दूसरी बात, सम टाइम नॉट फॉर ऑल टेस्टिंग वेनी पंक्चर इज रिकमेंडेड। बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जैसे कि एबीजीज आ जाता है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, हम उसके लिए वेन्स से ब्लड नहीं ले सकते, हम उसके लिए आर्टरी से ब्लड ड्रॉ करते हैं, आर्टीरियल पंक्चर करते हैं, ठीक है। सो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एक्चुअली फिलबॉटमी इज द प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग ब्लड फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग और ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद इट इज रेफर टू एज वेनी पंक्चर, इट इज एन इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ टूडेज अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अच्छा देखिए, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आपको फिलबॉटमिस्ट की जरूरत पड़ेगी, चाहे आपने क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन हॉस्पिटल में भी रिक्वायर्ड है, इसके अलावा लेबोरेटरी में तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। टेस्टिंग तो सारी की सारी जो है इसी पर बेस्ड कर रही है, तो फिलबॉटमिस्ट का होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट तकनीक है आजकल हर हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। और दूसरी बात ये कि प्रोफेशनल इफेक्टिव फिलबॉटमी, अगर फिलबॉटमी अच्छी है, यानी कि इफ अ पर्सन इज एक्सपीरियंस्ड, फिर क्या करता है, तो उससे क्या होती है कि आपके जो सैंपल, आप कह सकते हैं कि सैंपल्स पर इफेक्ट या बैड इफेक्ट नहीं आते, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है। इट मींस यानी कि अगर प्रोफेशनल और इजी और इफेक्टिव फिलबॉटमी है, तो इससे क्या होगा, जो आपको वर्क करने में आसानी होगी, सैंपल जो है वो प्रॉपर आपको टाइम पर मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि सैंपल्स में एरर्स नहीं होंगे। और अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी याद करनी है कि सैंपल कलेक्शन के वक्त भी सैंपल्स ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। सैंपल्स कलेक्शन के वक्त भी वी कैन मेक सम एरर इन दिस सैंपल्स। सो फिलबॉटमी अगर अच्छी टेक्निक अच्छी, अगर इफेक्टिव फिलबॉटमी है, एक्सपीरियंस फिलबॉटमिस्ट है एंड प्रोफेशनल फिलबॉटमिस्ट है, देन देर आर मिनिमम चांसेस ऑफ एनी एरर ड्यूरिंग सैम्पलिंग, यानी कि सैंपल खराब नहीं होता, ठीक है। सो अब टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, टेक्निक्स में जो आती हैं वो है वेनी पंक्चर, जो हम ड्रॉ करते हैं वेन्स में से, ठीक है, यानी कि ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम वेन्स। कैपिलरी पंक्चर इज द ड्रॉइंग ऑफ ब्लड फ्रॉम
कैपिलरीज, ओके, कैपिलरीज आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स, हैव लेस डायमीटर एज कम्पेयर टू आर्टरीज एंड वेन्स. एंड थर्ड टेक्निक इज आर्टीरियल पंक्चर. ओके, कॉमनली वी यूज वेनी पंक्चर बिकॉज हमारे बहुत ज़्यादा जो टेस्ट हैं उन तो वो इस वेन्स वेनस ब्लड में से ईजीली परफॉर्म कर सकते हैं. उनकी बहुत सारी जो आप कहेंगे पैरामीटर्स जो बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर हम आरएफटी यानी कि किडनी के फंक्शंस के टेस्ट करना चाहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्टिंग करना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि हम कौन सा ब्लड लें, वी कैन ईजीली टेक वेनी पंक्चर. एंड वो एक रिकमेंडेड भी है और वहाँ से वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल ठीक आती हैं. फॉर एग्जाम्पल यूरिया, क्रेटिनिन, इनकी वैल्यूज वेन पंक्चर्स में से आएंगी. इसी तरह लीवर, इफ एनीवन वांट्स टू टेस्ट लीवर फंक्शंस, मींस लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहते हैं, देन वेनी पंक्चर से वैल्यूज ठीक आएंगी. उसके बाद जो है यूरिक एसिड, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, तो यू कैन से कि तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ पैरामीटर है वो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट टेकिंग ब्लड फ्रॉम वेन्स. ओके, एंड इट इज़ वेरी इजी. ओके, सो वेनी पंक्चर एक इजी टेक्निक है. हमारे पास वेन्स में प्रेशर भी कम होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज और कैपिलरीज की निस्बत. इसका डायामीटर भी जो है वो बड़ा होता है, सो इजीली वी कैन ड्रॉ ब्लड फ्रॉम वेन. सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास वेनी पंक्चर का, ठीक है. और वेन्स इजीली हमें मिल भी जाती है, ठीक है. आर्टरीज आर एक्चुअली स्लाइटली डीप इन आवर बॉडी, सो हमें वहाँ उनको ढूंढने में और पंक्चर उसको करने में थोड़ा सा ना वो चाहिए होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस, और आप कह सकते हैं उसके लिए ज़्यादा टेक्निक की वो कोई ज़्यादा इजी टेक्निक नहीं होती, ठीक है. लेकिन उसके लिए आपको जो है ज़्यादा केयरफुल रहना होता है. बट वेनी पंक्चर में जो है इजीली वेन्स अवेलेबल है, ठीक है. ये सारी बातें जो है वेनी पंक्चर और आर्टरी कैपिलरी का भी आगे चल के हम जिक्र करेंगे. अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, all these techniques are best performed if there is a strong involvement and cooperation, involvement and cooperation of patient with the phlebotomist. First of all, आपको आपका जो patient है उसको आपसे satisfy होना जरूरी है, okay? ये बात note रखें कि आपके patient को आपसे satisfy होना जरूरी है, ठीक है. देखिए पेशेंट जितना इजी होगा उतना ही आसान होगा फिलबोटनिस्ट के लिए भी ब्लड ड्रॉ करना. उसकी वजह यह है कि इफ पेशेंट अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो साइकोलॉजिकली डरता है ब्लड से, जिसको ब्लड फोबिया है, या अगर साइकोलॉजिकली स्विंजिस से उसको थोड़ा सा है, तो देन यू विल ऑब्जर्व कि आपके लिए ब्लड ड्रॉ करना विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है. सो आपने अपने पेशेंट को पहले तो इसी के लिए, इसी पर्पस के लिए सम टाइम पेशेंट जो है वो रेस्टलेस हो रहा होता है, तो आप उसको एजुकेट कर सकते हैं बिफोर सैम्पलिंग. ये आपकी ड्यूटी है, ये फिलबोटनिस्ट की ड्यूटी ही है कि वो एजुकेट करेगा पेशेंट को अबाउट फिलबोटनी, कि देखें आपको हम इस तरह से इतना ब्लड ड्रॉ करेंगे और हम ऐसी पेन से लेंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा या पेन नहीं होगी, ठीक है. एंड आपको इससे क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप उसको बताएंगे, और इन अ प्रॉपर और इन अ प्रोफेशनल वे आप उसको जब हैंडल करेंगे देन पेशेंट विल बी कंफर्टेबल. और जब पेशेंट विल कंफर्टेबल विद यू देन आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें से ब्लड ड्रॉ उसे फिर आपके लिए ईजी होगा कि आप उस ब्लड ड्रॉ कर सकते हैं. समटाइम जो है पेशेंट प्रेफर करता है कि जी नहीं, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वही ब्लड ड्रॉ करे. लेकिन और दूसरा समटाइम जो है बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं कि इट डजंट मैटर कोई भी ले, लेकिन जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है ना लगे ना कि ब्लड ड्रॉ कर रहे, पेन ना हो, हमें ऐसा ना लगे कि पर्सन जो है अनएक्सपीरियंस है, या फिर उसको बार बार जो है हम पर ट्राई करने पड़ रहे हैं, ठीक है. तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती है ना ये पेशेंट के लिए रेस्टलेस कॉज करती हैं, और ये अल्टीमेटली आपके लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा इमेज नहीं होता, ठीक है.
तो पेशेंट के जोन ऑफ कंफर्ट का आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा जब पेशेंट कंफर्टेबल है तो उसके बाद जो सेकंड चीज होगी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर पीपीज, योर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, योर पीपीईज, योर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये जरूरी होने चाहिए। इस पे भी जो पेशेंट है वो आपसे कह सकता है, व्हाई यू आर नॉट वेयरिंग द ग्लव्स, आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं, आपके पास जो है आपने हैंड सैनिटाइज नहीं किए, आपने जो इस तरह की चीजें हैं, ये आपको पेशेंट तो कह ही सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले दी थिंग आर नेसेसरी फॉर योर सेफ्टी एज वेल। क्योंकि जब भी कभी आपने ब्लड ड्रॉ करना है कि आप अगर एक्सपीरियंस भी हैं तो आपके लिए एक बात जो है जरूरी है याद रखना कि देखिए ब्लड ड्रॉ तो कर लेंगे लेकिन सम टाइम सिरिंजेस जो है वो प्रिक कर सकती हैं आपकी स्किन के साथ, वही सिरिंज जो पेशेंट को आपने लगाई वो आप मिस्टेकनली आपकी स्किन को प्रिक कर सकती है, तो डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। इसी तरह जो है आपसे या पेशेंट को कोई डिजीज है और आप ग्लव्स यूज नहीं कर रहे और इसी तरह वो आप में ट्रांसफर हो सकती है, तो प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशंस आपको रखनी है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, आपको जो है ओवरऑल यानी कि लैब कोट पहनना है ब्लड ड्रॉ करने से पहले पहले। अच्छा, देन डीकंटेमिनेट द स्किन एट द साइट टू बी पंक्चर्ड एंड अप्लाई डिसइंफेक्टेड टॉनिक के। ठीक है, यानी कि ये सारी बातें उसी में आ जाती हैं। सबसे पहले आपने हैंड हाइजीन करनी है, हैंड हाइजीन में क्या होगा, हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश करने के बाद हैंड सैनिटाइज करेंगे, हैंड सैनिटाइज करने के बाद आप ग्लव्स पहनेंगे, आप ग्लव्स पहनने के बाद जो है आप जब जो है जो स्टे न्यू जो आप कह सकते हैं न्यू स्ट्रीम जो है आप वो यूज करेंगे, आपकी हैंड सैनिटाइज आपकी हैंड हाइजीन में ये सारी चीजें आगे, बिकॉज इन आवर वर्ल्ड मोस्टली जो डिजीजे ट्रांसफर होती हैं वो कंटेमिनेटेड हैंड से ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, तो हैंड हाइजीन इज द फर्स्ट नेसेसरी स्टेप। सेकेंडली जो है आपने ग्लव्स पहनने हैं, वो भी इसी में आता है हैंड हाइजीन में। ठीक है, उसके बाद जो है आपने स्किन डीकंटेमिनेट करनी है, किसकी, पेशेंट की, जिस साइट से आपने ब्लड ड्रॉ करना है उस साइट को आपने डीकंटेमिनेट करना है विद अ प्रॉपर डी डिसइनफेक्ट विद अ प्रॉपर सैनिटाइजर आप कह सकते हैं, अल्कोहल कह सकते हैं, डिसइनफेक्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो आप उससे जो है उसको पहले सैनिटाइज करेंगे, उसको डिसइनफेक्ट करेंगे। ठीक है, देन आप जो है प्रेशर क्रिएट करने के लिए, इफ यू आर टेकिंग ब्लड फ्रॉम वेन, देन आपको प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्या करना है, वेन से थोड़ा सा ऊपर जो है आपने वो टॉर्निकेट जो है वो जो है ना बांधना है पेशेंट की वेन से पहले, बिकॉज उसमें थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा तो ब्लड सेपलिंग और वेन्स प्रोमिनेंट हो जाएंगी तो आपके लिए आसानी होगी। लेकिन जरूरी चीज ये है कि ये सारे काम आपने जो है डिसइनफेक्ट करके करने हैं, कोई भी चीज है आप उसको डिसइनफेक्ट करेंगे। सिरिंजेस आर ऑलरेडी डिस्पोजेबल, तो ऑलरेडी जो है वो डिसइनफेक्टेड हैं, तो नो नीड टू डिसइनफेक्ट सिरिंजेस। लेकिन जो हमारे पास टॉर्निकेट है वो एक पेशेंट से बाद दूसरे में भी यूज होता है, तो टॉर्निकेट आप जो है वो आप करेंगे डिसइनफेक्ट। इसी तरह जो है पंक्चर करने से पहले उस साइट को डिसइनफेक्ट करेंगे और नई अल्कोहल स्वैब्स यूज करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें जो है आपने करनी है। अब आपके सामने जो है उसके बाद जो है फिर आपने क्या करना है, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, बायो एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, बायोएथिकल एस्पेक्ट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका इम्प्लीमेंट सॉरी टू से कॉमनली हमारे यहाँ नहीं है। बायोएथिकल एस्पेक्ट क्या है? अच्छा, बायोएथिकल एस्पेक्ट्स शुड ऑल्सो बी कवर्ड ऑन द फिलोटमी काउंटर एंड अ फिलोटमिस्ट मस्ट क्लियरली डिस्क्राइब ऑल द प्रोसीजरल स्टेप्स एंड पोटेंशियल हैजर्ड्स टू द पेशेंट क्लाइंट एंड शुड Raise with the patient about the investigation going to perform. आपके पास जो भी पेशेंट आएगा, ओके, फिलोटोमी काउंटर पर जो भी पेशेंट है उसको
उन जो वो टेस्ट की लिस्ट लेकर आया है, जो भी वो टेस्ट करवाना चाह रहा है, और आपको फिलपोटमी से लेकर उन टेस्ट तक सारी चीजें बतानी है। दीज आर बायो एथिकल फॉर अ पेशेंट। हमारे यहाँ ऐसा जो है बहुत कम प्रैक्टिस में देखा गया, अच्छी जगहों पर देखा गया है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको पहली बात बताया जाता है कि हम आपका ब्लड इस तरह से ड्रॉ करेंगे, हम आपको जब फिलपोटमी काउंटर पर फिलपोटमी करेंगे तो आपके पास इस फिलपोटमी से ये हैजर्ड्स हैं और ये जो है आपको जो है आपका टेस्ट परफॉर्म होगा तो ये इस तरह के आपको फायदे हैं। ठीक है, अगर पेशेंट कहता है कि बगैर ब्लड के कोई टेस्ट हो सकता है तो फिर हम उसको एजुकेट करेंगे कि नहीं, कौन सा टेस्ट जो है हम एक्सरे या कोई ऐसी चीजें हैं वो विदाउट ब्लड हम कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है ये बायो एथिकल में आते हैं। पेशेंट को अपनी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस स्पेसिमन पर ये बात जरूर याद रखनी है, ठीक है, कि पेशेंट का जो स्पेसिमन ड्रॉ किया गया और उस स्पेसिमन पर जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं पेशेंट्स को वो पता होनी चाहिए हैं। इससे ज्यादा या कम आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। क्लियर है? सो दीज आर बायो एथिक्स। बायो एथिकल क्या कहते हैं, ये बायो एथिकल एस्पेक्ट्स ये हैं कि बायो एथिक्स ये कहते हैं कि पेशेंट जिसका ब्लड है उस ब्लड के साथ क्या किया जा रहा है वो पेशेंट को पता होना चाहिए है। नो डाउट ये सारी चीजें पेशेंट के सामने तो नहीं होती, लेबोरेटरी में परफॉर्म होती हैं, लेकिन जब एथिक्स की बात आती है तो एथिक्स का ख्याल हमें एब्सेंस में भी रखना होता है। तो दीज आर बायो एथिकल कि पेशेंट को क्लाइंट को पता हो कि उसके ब्लड के साथ क्या किया जा रहा है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन उसके ब्लड पर की जा रही है। हाँ, अगर वो क्या है कोई हमें ड्यूरिंग टेस्टिंग लगता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ अनदर टेस्ट, तो उसके लिए क्या किया जाता है पेशेंट से परमिशन ली जाती है। अगर कोई एक्स्ट्रा टेस्ट भी परफॉर्म करना है तो पेशेंट को पहले बताया जाता है कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म अनदर टेस्ट फ्रॉम योर सैंपल, तो क्या आप अलाउ करते हैं, और इस फिर आपको उस टेस्ट के बारे में एजुकेट करना होगा। दीज आर बायो एथिकल एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि सॉरी टू से बहुत सारी जगहों पर इम्प्लीमेंट नहीं होती, बट आइडियली वी शुड इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। ठीक है, हाँ हमारे यहाँ दोनों तरह से नेग्लिजेंस होती है। फर्स्ट नेग्लिजेंस फिलपोटमी काउंटर पर ही कि वो नहीं बताते अच्छा ये टेस्ट है चलें जी ब्लड ड्रॉ करो। सेकेंड जो है वहाँ आपको एजुकेट नहीं किया जाता। सेकेंड थिंग समटाइम पेशेंट जो है वो हरी में होते हैं कि वो जल्दी जल्दी में होते हैं, लाएं जी लाएं चलें जी ये टेस्ट इनका ब्लड लें, अच्छा क्या करना है ये सैंपल लेना है ब्लड लेना है चलें जी देख, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं जी करें। कहीं से भी हो बायो जो एथिक्स हैं वो तो कम्प्रोमाइज हो गए ना। ठीक है, आपको सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि बायो एथिक्स कम्प्रोमाइज ना हो, आपको मैक्सिमम ये ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपको जो है अ फॉर्मल कंसेंट रिटेनिंग टू ऑल द प्रोसीजर ऑट टू बी टेकन बिफोर कलेक्शन, यानी कि सम टाइम बायोथिकल्स में ये भी आते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा एक एडवांस चीज है कि आपको सबसे पहले जो है वो जो टेस्ट होने जा रहे हैं उसका एक कंसेंट लेना है कि जो ये हम आपसे टेस्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उस कंसेंट से बाहर नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कंसेंट, क्योंकि सम टाइम पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि किसी अटेंडेंट से इतनी लंबी गुफ्तगू करके उसको समझा के उसे कंसेंट लेना। और सेकेंडली वी आर फेसिंग पेशेंट बर्डन जो कि इतना ज़्यादा है कि हर एक कंसेंट जो है पॉसिबल नहीं होता, तो देन हमने क्या किया एक छोटा तरीका, हम पेशेंट को वर्बली इन्फॉर्म करते हैं, हम उनको एजुकेट तो कर सकते हैं वर्बली, और उसके बाद जो है पेशेंट को जो टेस्टिंग की स्लिप होती है जो हम हमारी कंप्यूटराइज होती है कंप्यूटराइज जनरेटेड होती है वो हम दे सकते हैं, उसके ऊपर जो है हम पेशेंट से सिग्नेचर ले सकते हैं। इट्स अ फॉर्मल कंसेंट, ठीक है कि हम आपके ब्लड के साथ यही करेंगे इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें चंद इम्पोर्टेंट चीजें हैं। देयर मैनी प्री एनालिटिकल एरर्स, देखिए एरर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, कोई भी टेस्ट कोई भी प्रोसीजर में है उसमें तीन तरह के एरर्स होते हैं, प्री एनालिटिकल एरर्स एंड पोस्ट एनालिटिकल एरर्स। व्हाट आर प्री एनालिटिकल एरर्स? प्री एनालिटिकल एरर्स दोज एरर्स व्हिच कैन अकर बिफोर द
टेस्टिंग बिफोर द एनालिसिस ऑफ सैंपल. फॉर एग्जांपल क्या हमने अभी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आया है, पेशेंट सेज के आई हैव टू चेक माई ब्लड वैल्यूज, तो आपने कहा कि सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, वो कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना चाह रहे हैं, अ सिंपल टेस्ट. लेकिन उसमें क्या हुआ, जब फिलबॉटमिस्ट ने ब्लड ड्रॉ किया तो प्रॉपरली ब्लड को प्रॉपर वायल में नहीं डाला गया. दे आर वायल्स कलर्ड के लिहाज से ना, सीबीसी और सीरम एनालिसिस के लिए अलग अलग ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम वायल्स कहते हैं. तो सीबीसी के, अगर हम चाहते हैं कि सीबीसी की वायल में परफॉर्म, सीबीसी एक खास किस्म की वायल में परफॉर्म होता है, वो सीरम वाली वायल में या ट्यूब में परफॉर्म नहीं हो सकता. हमने ब्लड ड्रॉ करके हमने सीबीसी वाली वायल के बजाय हमने उसको मिस्टेकनली प्लाज्मा या सीरम वाली वायल में ऐड कर दिया. अब वहाँ से हम सीबीसी परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं है. तो ये हमारा एनालिसिस नहीं है, एनालिसिस से पहले का एरर है, ठीक है, या फिर कोई और एरर क्या हो सकता है. अगर वेनी पंक्चर चाहिए था, हमें वेन से ब्लड चाहिए था, लेकिन हमने जैसे हमने अगर या हमें आर्टरी से ब्लड चाहिए और फिलबॉटनिस्ट को इतना नॉलेज नहीं है या फिर किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं दिया और वेन से ब्लड ले लिया और हम वहाँ से एबीजी परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन किसी ने करके वैल्यूज दी, देन इट विल बी अ प्री एनालिटिकल एरर. कि देखें ब्लड ड्रॉ ही गलत साइड से किया जा रहा है, दीज आर प्री एनालिटिकल एरर्स. सो एरर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, प्री एनालिटिकल एरर्स, पोस्ट एनालिटिकल एंड देन पोस्ट एनालिटिकल एरर्स, ठीक है. ये वो मिस्टेक्स हैं. हाँ, यहाँ पर आप लेबोरेटरी में ज़्यादातर प्री एनालिटिकल एरर्स देख सकते हैं. वो कैसे, क्योंकि एनालिसिस तो अभी लेबोरेटरी में होगा, फिलबॉटमी के अंदर तो अभी सिर्फ सैंपल कलेक्शन होगी, एंड ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन यू कैन, देयर आर मेनी प्री एनालिटिकल एरर्स इनकाउंटेड ड्यूरिंग द फिलबॉटमी प्रोसीजर, नेमली इनकोरेक्ट पेशेंट. हाँ, यहाँ पर बड़े आसान, आपके पास जो पेशेंट था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 पेशेंट थे लेकिन आप बारी बारी सैंपल ले रहे थे, लेकिन पेशेंट आइडेंटिफिकेशन आपने गलत लिख दी, ठीक है, यानी कि आपने जो है पेशेंट सैंपल तो ड्रॉ किया लेकिन पेशेंट आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट नहीं लिखी, गलत लिखी, रॉन्ग ट्यूब सिलेक्शन, आपने जो वायर थी सीबीसी का ब्लड, आपने अगर आपने कोई टेस्ट परफॉर्म करना था पर्पल वायल में से और आप रेड वायल में से परफॉर्म कर रहे हैं, तो देन इट्स अ रॉन्ग, आपने उसके लिए ब्लड जो है तो ये रॉन्ग ट्यूब सिलेक्शन हो गई, ठीक है, लेबलिंग गलत हो गई. आपने क्या किया, जो पेशेंट टेस्ट लेकर आया था कि आपको उसको क्या पैरामीटर्स चाहिए हैं उसके ब्लड में से, लेकिन क्या हुआ, वो उसको आपने क्या किया, टेस्टिंग में गलत कर दी, कि जो लेबलिंग थी वही गलत कर दी, कि पेशेंट नेम है, दूसरा लेबल ना टेस्टिंग का भी है, कि पेशेंट सीबीसी चाहता था लेकिन आपने रीनल फंक्शन टेस्ट मेंशन कर दिया, पेशेंट कैल्शियम चाहता था लेकिन आपने मिसअंडरस्टैंड करके क्रिएटिनिन डाल दिया. तो ये सारी चीज़ें प्री एनालिटिकल एरर. तो अब आपने जो एरर किया वही थ्रू आउट एंड तक चलेगा, ठीक है, अगर ठीक ना किया गया और वैल्यूज भी कैल्शियम की बजाय क्रिएटिनिन की आ रही, तो पेशेंट आकर इजीली कह सकता है कि मैंने कैल्शियम का टेस्ट करवाए थे और मुझे क्रिएटिनिन की वैल्यूज मिल गई. तो ये स्टार्ट एरर कहाँ से हुआ, प्री एनालिटिकल एरर से. अनहाइजेनिक साइट प्रिपरेशन, ये भी हो सकता है. अब देखिए ड्यूरिंग कल्चरिंग, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट से क्या करना है, ब्लड कल्चर करवाना है. ब्लड कल्चर इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई पैथोजेंस इन साइड द ब्लड, यानी कि हमारी जो सर्कुलेशन में, अगर इन ब्लड सर्कुलेशन में कोई पैथोजन बैक्टीरिया है या फंगस है तो हम उसका कल्चर करवाते हैं. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन का बैक्टीरिया हैं वो उस ब्लड कल्चर में, उस ब्लड में एंटर ना हो. लेकिन हमने क्या किया, स्किन को प्रॉपरली डीकंटेमिनेट नहीं किया, तो जब हमने स्ट्रीम से पंक्चर किया तो बैक्टीरिया फ्रॉम स्किन वो भी हमारे ब्लड में शामिल हो गए और वो ही हमारे सैंपल में भी चले गए, जिससे हमारे कल्चर के रिजल्ट खराब हो गए. तो अनहाइजेनिक साइड प्रिपरेशन, ये सारे प्री एनालिटिकल एरर थे. अच्छा, डिलेड टोर्निकेट एप्लीकेशन. अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज डिलेड टोर्निकेट एप्लीकेशन. टोर्निकेट बहुत ज़्यादा देर पहले नहीं बांधेंगे, कि आपने क्या किया, टोर्निकेट बांध कर आप वॉयल्स ढूंढ रहे हैं, वॉयल्स को लेबल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है.
मिनिमम टाइम टोर्निकेट एप्लीकेशन के बाद मिनिमम टाइम आपको चाहिए जिसमें आप जो है जस्ट वेन को ढूंढ कर उसमें से ब्लड ड्रॉ करें, ठीक है। ये नहीं कि आप सबसे पहले टोर्निकेट जो है वो बांधे और उसके बाद जो है आप फिर वेट करते रहें, आप बाकी उसकी रजिस्ट्रेशन पेशेंट भी कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं नहीं करनी। क्योंकि टोर्निकेट अगर डिलेड टोर्निकेट एप्लीकेशन हो गए तो उससे हमारे बहुत सारे टेस्ट हैं उनमें वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। और ये प्री एनालिटिकल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट में फ़र्क आ सकता है उसकी वैल्यूज़ में। उसके बाद हीमोलिसिस, जब आप ब्लड जो है वॉयल्स में कलेक्ट कर रहे होंगे तो उस दौरान आपको पर एक बहुत केयरफुली ब्लड को ऐड करना है इन वॉयल्स, ब्लड कलेक्शन वॉयल्स, बिकॉज उस दौरान जब आप प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे या ब्लड को केयरफुली नहीं सिरिंज से केयरफुली वॉयल में नहीं ऐड करेंगे देन ब्लड की हीमोलिसिस हो सकती है, या ड्रॉ करते वक्त हीमोलिसिस हो सकती है, वैल्यूज ठीक नहीं आएंगी, इनएडिक्वेट कलेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर क्या हुआ है कि हमें 5 cc ब्लड ड्रॉ करना था लेकिन आपने कहा कि 3 cc ले लेते हैं और 3 cc निकाल लिया, उसके बाद आपको अंदाजा हो कि नहीं हमें 5 cc ही चाहिए था, 5 ml ब्लड ही चाहिए था, देन इट इनएडिक्वेट कलेक्शन, इट्स अ प्री एनालिटिकल एरर। प्रोसेसिंग डिले, क्या हुआ सैंपल को अगर एक कोई गाइडलाइन है कि अगर 2 से 3 घंटों के अंदर एक सैंपल परफॉर्म हो जाना चाहिए लेकिन सैंपल डिले है, देन इट विल बी अ प्री एनालिटिकल एरर। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं अगर ब्लड को बाद में ड्रॉ करना है तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर पर ब्लड को जो एनालिसिस जो है, यानी कि अगर कहीं किसी कलेक्शन सेंटर पर कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद लेबोरेटरी में जाना है तो उसको टेम्परेचर एक खास देना होगा, ठीक है। तो उसकी स्टोरेज जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, देन इट विल कॉज इफेक्ट ऑन किस पे इफेक्ट करेंगे जी पेशेंट के वैल्यूज पे। इट इज़ वर्थ इट टू स्टेट हियर द सीक्वेंस ऑफ ड्रॉइंग ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुन रहे हैं आप भी सारे सो गए हैं, एक तो मैं भी पढ़ाई जा रहा हूँ, पूछ ही नहीं रहा बच्चों से। अच्छा चले पूछ लेते हैं। चलें जी, हमारे पास 12 लोग हैं। अरे वाह, 12 लोग गए हैं आज क्लास में मुझे मिला के। ये मेहरी साहब को सुबह अभी हुई है, तो अमजद साहिब जी सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अमजद, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बायो एथिक्स क्या क्या हो सकते हैं? बायो एथिक्स में सर पेशेंट को ये फील कराना कि आप उसके फ्रेंड की तरह, मतलब क्या है? हाँ बताएं, वह बायोएथिकल में क्या क्या चीज़ें आप कंसीडर करेंगे फॉर अ पेशेंट, उसके एथिक्स है ना कुछ? देखिए हर चीज़ के एथिक्स हैं, तो फिलबोटमी के भी पेशेंट के लिए जो होते हैं बायोएथिक्स होते हैं, बताएं। अमजद साहब क्या सुन रहे हैं आप? यस सर। किंजा ये इनको बताएं जरा कि बायोएथिकल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं ड्यूरिंग फिलबॉटमी या फिर फिलबॉटमी। यस सर, इसमें आपने सर बताया था कि जब हम पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं तो जब हम उसका फर्दर कोई और टेस्ट जब कर रहे होते हैं परफॉर्म, तो उससे हम पूछते हैं कि हम इसके ऊपर यानी कि फर्दर मोर टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें परमिशन देते हैं कि नहीं देते? और मोस्टली यानी कि यहाँ पे कुछ लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे पेशेंट को इस तरह बताया नहीं जाता कि हम आपके ब्लड पे ये वाला टेस्ट यानी परफॉर्म कर रहे हैं, या हम इस तरह ब्लड लेंगे और उसको इस तरह यानी परफॉर्म करेंगे। आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि सिर्फ न्यू टेस्ट के लिए, किंतु ये बात क्लियर कर दें, आप जो भी करेंगे परफॉर्म करेंगे, चाहे पेशेंट के पास उनकी लिस्ट ऑलरेडी है, आप जो भी परफॉर्म करेंगे वो पेशेंट को बताएंगे, सिर्फ नए टेस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट टेस्टिंग, कि ये जो टेस्ट है ये किसका है, ये किडनीज का है, ये लीवर्स का है, ये
आपकी ब्लड शुगर लेवल है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल है, और या फिर ये ब्लड कंप्लीट एनालिसिस है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को एजुकेट करना बायोएथिक्स में आता है, वो उसका राइट है, उसको राइट है, वो आपसे मांग सकता है कि मुझे बताएं, आपने मेरा सैंपल लिया है तो आप मुझे बताएं कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद माय सैंपल। तो लारेबशा मैडम किधर है आप? यस सर, मुझे बताएं कि एरर्स क्या हो सकते हैं या कितनी तरह के एरर्स होते हैं हमारे पास? तो किसी के जी कि जो हमारे टेस्ट में परफॉर्म आ सकते हैं? नहीं, एरर्स अभी मैंने बताया ना ड्यूरिंग कलेक्शन, और एक ओवरऑल चीज मैंने बताई थी कि एरर्स की भी टाइप्स हैं, कितनी तरह के एरर्स हो सकते हैं। तो टाइप शादी ये एरर का याद है कि अगर हम मतलब कि जब हम ब्लड को सैंपल को ले रहे होते हैं तो सबसे पहले उसका ठीक है, ये किन में आते हैं? ये प्री एनालिटिकल एरर्स हैं, पोस्ट एनालिटिकल और एनालिटिकल एरर्स। ये एनालिटिकल एरर्स होते हैं सर? एनालिटिकल नहीं है, किस तरह से एनालिटिकल, क्या समझ रहे हैं आप? दीज आर प्री एनालिटिकल एरर, बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, हर कोई एरर जो एनालिसिस से पहले हो रहा है। क्या हमने ब्लड टेस्टिंग शुरू कर दी थी फिलबॉटमी स्टेशन पे? दीज आर प्री एनालिटिकल। अभी तो हम लोग ने कर ली, ये सभी हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग पेन रहे हैं, ग्लव्स वगैरह अभी तो हम लोग ले रहे हैं, तो ये सर ये प्री है। कि अगर हम लोग अपने ग्लव्स नहीं पहनते, हम लोग जब हम लोग उसका ब्लड सैंपल ले रहे होते तो हम सबसे पहले हमें किसी चेक करनी होती है कि वो हमने उसकी न्यू होती स्पेशल जो पहले वाली थी वो हम लोग ने उसको जब हम लोग उसका ब्लड सैंपल ले लिया उसको अपने जूस में डाल दिया उसको डिस्पैच किया मुझे बताएंगे हैंड हाइजीन क्या होंगी अहमद साहब? जी सर, हैंड हाइजीन क्या होंगी आपके लिए? यू आर एट फिलबॉटमी स्टेशन, आपकी ड्यूटी है, आपने पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करना है, और क्या क्या स्टेप सबसे पहले आप करेंगे? चलें ये बता दें, सिर्फ हैंड हाइजीन छोड़ दें। आपके पास इमेजिन करें आप ना फारूक हॉस्पिटल के फिलबॉटमी स्टेशन पर है, आपके सामने पेशेंट है और आपके साथ सीनियर भी कोई नहीं, और पेशेंट भी आप पर गुस्सा कर रहा है कि जल्दी से ब्लड ड्रॉ करें, देन व्हाट विल यू डू? आप कॉल नहीं कर सकते अपने किसी सीनियर जूनियर को के पूछने मुझे क्या क्या करना है, आपको ही करना है जो कुछ करना है अपने नॉलेज की बेस पे, बताएं क्या करेंगे? सर आप सो लें तो बेहतर है, पढ़ाई जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। नहीं सर, वो हैंड हाइजीन करे तो मिथाइसिलिन जो रेजिस्टेंट होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एरिस वो होते हैं, एज में रिपोर्टेड करने होते हैं, 25% होते हैं वो। क्या बातें कर रहे हो, मैंने आपको कहा कि आप फिलबॉटमी स्टेशन पर हैं और आपको क्या करना है ब्लड ड्रॉ करने से पहले? अभी तो मैंने ये नहीं बताया कि वेन्स है आर्टरीज है, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया नहीं। हाँ, वो सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं जो कि आपको ब्लड ड्रॉ करने से पहले। इकरा इनको बताओ जरा, मुझे गुस्सा आ रहा है। हैंड वॉश करने हैं, हैंड सैनिटाइज करने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, और उसके बाद वो भी बताना कि मतलब ब्लड सैंपल ड्रॉ करने से पहले आर्म पे जो है ऊपर टॉर्निकेट उसको कहते हैं, टॉर्निकेट वो बांधना है जो भी, और फिर उसको जो है अल्कोहल स्वैप से क्लीन करना है जो जहाँ से आपने सैंपल ड्रॉ करना है। ठीक है, गुड। लेकिन उसके बाद ये तो आपने सारी चीज़ें बता दी जब आप परफॉर्म करने लगे,